तो दोस्तों YouTube एफिलिएट प्रोग्राम को कैसे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि जब YouTube में कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको एक टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है, मतलब एक बॉक्स आपको बैग मिलेगा सेल बॉक्स का जो नीचे में शो होता है, और उस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट उसमें टैग किए रहते हैं वो प्रोडक्ट आपको शो होता है, उस पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। वही सेम चीज इसमें होता है कि आपको यहाँ पे टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें दोस्तों यूट्यूब से डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और जो भी कमीशन होगा दोस्तों वो कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको हो सकता है ये मेल मिल भी सकता है, या मेल अगर नहीं मिले तो तब भी दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अब इसका कुछ क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो आपका 15,000 यहां पे सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, चैनल आपका मोनेटाइज होना चाहिए, किसी भी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए, और जो भी वीडियो आप बनाते हैं उसको आपका मेड फॉर किड नहीं होना चाहिए, तो देन दोस्तों आपको यहाँ पे इलिजिबल हो जाइएगा टैग प्रोडक्ट लगाने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपको इस प्रकार का मेल मिलेगा, यहाँ पे ज्वाइन टूडे पे क्लिक करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करें बैक हो जाए। बैक होने के बाद आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्रोडक्ट को जैसे अपलोड करते उस समय कैसे टैग प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और पुराना से पुराना वीडियो में कैसे लगाना है वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, जो भी मेरे पास वीडियो है उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, तो ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट वाले ऑप्शन में जाऊंगा, देन अपलोड वीडियो वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक कर देता हूं, देन यहां पे सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, देन अपने जो भी मीडिया फाइल है उस मीडिया फाइल में मैं दोस्तों यहां पे चला जाता हूं, और एक वीडियो है इस वीडियो को मैं दोस्तों यहां पे क्या करता हूं अपलोड पे लगा देता हूं। जैसे दोस्तों आप वीडियो को अपलोड करते हैं उस हिसाब से आपको वीडियो को अपलोड करना है, देन जो भी आपका यहां पे टैग है उस टैग टाइटल को आपको यहां पे फिलअप कर लेना है, फिलअप करने में जो भी डिस्क्रिप्शन है थंबनेल है वो आप यहां पे लगा लीजिएगा, जो भी प्लेलिस्ट है वो आप दोस्तों अपने हिसाब से यहां पे प्लेलिस्ट बना लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना जो भी प्लेलिस्ट है उसको दोस्तों यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, देन उसके बाद यहां पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहां पे आप देखें तो यस इट मेड फॉर किड का ऑप्शन है और नो इट नॉट मेड फॉर किड का ऑप्शन है। तो अगर आप जो भी वीडियो बना रहे हैं वो किड के लिए नहीं बना रहे तो नो इट नॉट मेड फॉर किड को आपको यहां पे ऑन करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन उसके बाद मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप मोनेटाइजेशन जो भी डन करते हैं वो प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करते चले जाना है। तो चलिए जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंप्लीट करते चला जाता हूँ। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो ऐड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड एंड एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, और ऊपर में आप देखें तो टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इस ऐड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने वाले जब फर्स्ट बार आप ओपन कीजिएगा तो वहां पर आपको एक टर्म एंड कंडीशन देखने मिलेगा, उस टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे क्या करना है एक्सेप्ट कर लेना है, देन उसके बाद यहाँ पे शॉप का ऑप्शन मिलेगा और ऊपर में सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इस सर्च वाले ऑप्शन में जाना है। अब आपको जो भी प्रोडक्ट यहां पे सेल करना है उस प्रोडक्ट को दोस्तों आपको क्या करना है यहां पे सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पे क्या करता हूं यहां पे अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको सर्च कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर सेल्फी यहां पे बेचना है, सेल्फी स्टिक बेचना है, तो इस पे जाऊंगा, देन उसके बाद दोस्तों यहां पे क्या करूंगा सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, और यहां पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आप यहां पे देख सकते हैं सेल्फी स्टिक देखने मिलेगा, और यहां पे प्लस वाला ऑप्शन मिलेगा, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन उससे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो कमीशन शो हो रहा है 2.5% शो हो रहा है, तो आप यहां पे देख लीजिएगा, देन प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो प्लस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों ये यहां पे ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पे आप 20 प्रोडक्ट दोस्तों यहां पे आप टैग कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पे ट्राइपॉड सर्च कर लेता हूं, इसको लिखूंगा, देन यहां पे इंटर पे क्लिक करूंगा, देन जो भी आपको यहां पे ट्राइपॉड अगर आपको यहां पे सेल करना है वो यहां पे देख सकते हैं, काफी सारे यहां पे ट्राइपॉड देखने मिलेंगे, तो आपको यहां पे देख लेना है कौन सा सेल करना है। चलिए उसको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं, तो दो प्रोडक्ट को दोस्तों मैंने यहां पे ऐड कर लिया। इस प्रकार से आपको जितने भी प्रोडक्ट सेल करना है वो दोस्तों आप यहां पे सेल में लगा सकते हैं, देन आपको यहां पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन यहां पे आपका यहां पे जो भी ऐड है वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पे टिक मार्क देखने मिलेगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस प्रकार से नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, अनलिस्टेड आपको करके रखना है, देन सेव वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको यहां पे क्लिक कर देना है, और ये क्लिक करने बाद दोस्तों ये प्रोडक्ट आपका यहां पे टैग हो जाएगा। चलिए यहां पे बात करते कि कोई पुराना आपका वीडियो है उसमें कैसे लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट आप क्या करें कि यहां से बैक हो जाना है और आपका जो भी मोबाइल है उसमें आपको YT स्टूडियो देखने मिलेगा, उस YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो मैं यहां पे YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूं, ओपन करने के बाद आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना है,
और कंटेंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको देख लेना है कौन सा वीडियो में आपको यहाँ पे टैग लगाना है। तो किसी वीडियो में लगा सकते हैं, अगर आपका अनलिस्टेड किया हुआ है उस वीडियो में भी लगा सकते हैं, किसी वीडियो का अगर आपने वहां पे पब्लिक करके रखा हुआ तो दोस्तों उसमें भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये घड़ी देखने मेरा इस पे लगाना है, तो इस ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करने के बाद एडिट वाले सेक्शन में जाऊंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है, देन उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में जाइएगा तो टैग प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे वॉच यहाँ पे टैग में लगाना है, सेल करना है, यहाँ पे वॉच लिखूंगा, देन यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे काफी सारे दोस्तों यहाँ पे वॉच देखने मिल रहे हैं, तो अपने हिसाब से जो भी वॉच आपको यहाँ पे सेल करना है वो दोस्तों आप यहाँ पे इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। चलिए दो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसी प्रकार से अगर आपको स्मार्ट वॉच अगर यहाँ पे सेल करना है, स्मार्ट वॉच आप यहाँ पे सर्च करें, देन सर्च वाले ऑप्शन में आप क्लिक कीजिएगा, तो जो भी स्मार्ट वॉच आपको यहाँ पे सेल करना है इस प्रकार से दोस्तों प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप दोस्तों यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें आपका मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का कोलैबोरेशन किया हुआ है और वो कमीशन भी दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, कितना परसेंट आपको कमीशन मिल रहा है, जिसमें ज्यादा मिल रहा है तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे टैग करके लगा सकते हैं। देन आपको यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन इसको दोस्तों आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। बस आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद जो भी बंदा आपको वहां पे वीडियो देखेगा तो जैसे वो वीडियो चलेगा उसके वहां पे लेफ्ट साइड में एक आपको वहां पे सेल बैक वहां पे शो हो जाएगा और वो बंदा जैसे उस सेल बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद राइट साइड में जो भी प्रोडक्ट आपने वहां पे ऐड किया है वो प्रोडक्ट सीरियल वाइज वहां पे दोस्तों शो हो जाएगा और वो बंदा जिस प्रोडक्ट पे वहां पे अगर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो फ्लिपकार्ट मिंत्रा में चला जाएगा या जो भी शॉपिंग वहां पे कोलैबोरेशन किया हुआ है उस साइट में चला जाएगा। अगर उस साइट में जाकर अगर उस प्रोडक्ट को परचेस करता है तो वो कमीशन मिलेगा, और अगर प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता तो तब भी दोस्तों आपको थोड़ा मोड़ा वहां पे कमीशन बन जाएगा।